श्री ब्राह्मण सभा रजिस्टर नंबर 484 का अज फेस 9 इंडस्ट्रियल एरिया भगवान परशुराम मंदिर विखे होया चुनाव, जिस दे चलते हुए सर्वसम्मति दे नाल रिटायर्ड SP VK वैद बने प्रधान ते नाल ही महिला मंडल तो मैडम हेमा गैरोला बनी प्रधान। दादा जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने तमाम ब्राह्मण समाज को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और खास करके हमारे जो आज विराजमान हुए हैं मेंबर, उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। इन्होंने जो आज फिर उस टीम को चुना है, तो चुनने का कारण तो एक ही नजर आता है, उनका काम दर्शाता है, उनका काम ही पूजा है। काम को उन्होंने प्रेफरेंस दी तो हमें री इलेक्ट किया, लेकिन मेरी समझ से थोड़ा बाहर है कि पहले मैं इतनी इन लोगों के साथ मिलकर कहां से यहां तक पहुंचा हूं, आगे कहां तक मुझे ये ले जाएंगे। उम्र का तकाजा पड़ाओ ये भी काउंट करता है, लेकिन देखो मेरे साथ, इसलिए मैं ज्यादा मोटिवेट हूं कि 84 साल के नौजवान JP ऋषि जी अगर मेरे साथ हैं, वो काम कर सकते हैं, तो मुझे उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उस प्रेरणा को मद्देनजर रखते हुए और अपनी बहन आभा बांसल जी का आशीर्वाद, छोटी बहन का प्यार भी है, आशीर्वाद भी है, सहयोग भी है, तो इस और आपका सभी मेरे टीम मेंबरों का, जो मेरी महले हैं, बहने, मेरे जो भाई हैं, इन्होंने मुझे फिर मान बख्शा है। मेरे कड़वेपन को सहन करके भी, हरी मिर्च को सहन करके इन्होंने फिर हरी मिर्च को ही आगे लाया है। शायद इन्होंने से गुण देखे होंगे, तो इसलिए मैं उनका भी दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवादी हूँ जो मौका मुझे दिया है। है तो कठिन, क्योंकि समाज में सनातन धर्म को जोड़ने का काम लोग आज बहुत कम कर रहे हैं, सनातन धर्म को तोड़ने का काम बहुत लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी नजरिए से करें, पॉलिटिक्स में आकर करें। अरे भाई, पॉलिटिक्स एक अलग फील्ड है, उसको छोड़ दो, ये आपका घर है, घर को मत तोड़ो। आप
किसी का साथ दो, ए का दो, बी का दो, सी का दो, डी का दो, लेकिन अपने घर को, घर का जो वातावरण है वो सद्भावपूर्ण बना के रखो, मैत्रीपूर्ण बना के रखो, सहयोग रखो। ये घर ही काम आना है, घर के लोग ही काम आने हैं। पार्टियां तो अपने अपने लेवल पे चली जाएंगी, करती हैं, सब कुछ आपने देख लिया है, लेकिन मेरा सभी से अनुरोध है, अपनों से भी, दूसरों से भी, तमाम जो लोग हैं हमारे ब्राह्मण समाज के और दूसरे समाजों से, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि भी आप अपने सनातन धर्म को कर ध्यान रखिए। सनातन धर्म कहीं गिने ना पाए, कहीं आपसी विचार मतभेदों के कारण सनातन धर्म को कोई ठेस पहुंचे तो वो गलत बात होगी, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले हमारे लिए हमारा सनातन धर्म है, जिसको हमने, जिससे हम पैदा हुए हैं, जिसको हम, जिसमें पले हैं, बड़े हुए हैं और आगे जाना है, तो धर्म सबसे ऊपर है। ये जो बाकी है एक कर्म है, धर्म और कर्म को अगर साथ रखकर चलोगे तो फिर आप कामयाब रहोगे। अगर धर्म को राजनीति के साथ जोड़ोगे तो उसका नुकसान ही होगा। मैं सभी से फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आओ मिलकर काम करें। अगर मेरे में कुछ कमी पेशी है तो आप सहनशीलता दो, आप में है तो मैं सहनशीलता रखूं, ये मेरी सहनशीलता का ही परिणाम है जो हम आज 1 करोड़ के ऊपर इस समाज के लिए काम कर पाए हैं। अब मेरा जो मुझे अपने बांसल परिवार से जो मार्गदर्शन मिलता है कि गरीबों का उत्थान करना है, गरीबों का ध्यान रखना है, अब हम ये देख रहे हैं कि कौन सा गरीब परिवार है जिसको हम सहयोग करें। ये ऐसा सनातन धर्म में किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सोचा, किसी ने किया नहीं है। हर जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपने अपने काम को सुधारने के लिए, अपने अपने वोट जीतने के लिए वो काम करती हैं। जनरल किसी को दुख तकलीफ है वो किसी के काम नहीं आती। हम ब्राह्मण समाज आगे बढ़कर जैसे मूर्तियों, जो शहर में मूर्ति वृक्षों के नीचे रखी जाती थी, चौराहों में मूर्तियां रखी जाती हैं, उसका भी हमने साफ सफाई का अभियान चलाया था। ये भी अभियान चलाएंगे, जो गरीब परिवार है हम उनका अपने साथ जोड़ेंगे, उनका सहयोग करेंगे और अपनी महिला मंडली का और अपने ब्राह्मण समाज का और उत्थान करेंगे और जोड़ेंगे। सर ये ब्राह्मण समाज ये 484 सवा 1982 में बनी थी और बनाने वाले भी वो नहीं रहे। ये विधिवत रूप से ये पहली बार है जो प्रोसीजरल इलेक्शन हुए हो। आज तक कोई प्रोसीजरल इलेक्शन नहीं हुए, ना इनके पास कोई फॉर्म थे, ना इनके पास कोई मेंबरशिप थी, ना इनके पास कोई ऐसा हिसाब था, ठीक है, ना कोई रिकॉर्ड था, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये कहते कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। वो भी हमने 2020 में जब हम ये हमारे साथ डिसएसोसिएट हो गए कुछ टीमें, तो हमने फिर इसके लिए विचार किया, रिकॉर्ड मांगा स्टाफ फॉर्मेट सोसाइटी से, वहां फाइल ट्रेसेबल नहीं थी। उन्होंने कहा आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो, फिर हमने ये सारी प्रक्रिया की, फिर प्रक्रिया के साथ इनको जोड़ा। लेकिन कुछ लोग अपने निजी हितों के कारण हमसे अलग हुए हैं। अब हम अभी उनको कहते हैं आइए, ये आपका घर है, सुबह का बुरा हुआ शाम को घर आ जाए तो वो बुरा होने के लाता, लेकिन अपनी गलती का एहसास कीजिए, ईगो छोड़िए। यहाँ कोई भी आदमी ईगो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप ईगो नहीं छोड़ोगे तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, आप अपने घर को आगे नहीं ले जा सकते। ऐसा बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है, क्या तो प्लान ऑफ एक्शन फ्यूचर का होगा, क्या तो नवीन नौजवान भी जुड़े जाएंगे। राजा जी ऐसा है, हमारा काम है काम करना, जैसे जैसे लोग मिलेंगे वैसे वैसे हम काम करेंगे, वैसे वैसे उनको जोड़ेंगे। अब हमारे पास एक एजी ऑफिस से रिटायर्ड अफसर हमारे पास आए हैं, जो अकाउंट के माहिर हैं, जो हमेशा हर महकमे का इतने साल ऑडिट करते रहे हैं, अब ये अकाउंट को देखेंगे और ऋषि जी को जनरल सेटी का एक्सपीरियंस है ये देखेंगे, और हमारे जो टीम है वो टीम वही पुरानी रहेगी। अगर उसमें और कोई नए जुड़ने जाए तो वो हम उसको जोड़ेंगे। ये हमारे बैठे हैं शिव कुमार जी, जी ये अच्छे कर्मठ वर्कर हैं, तो ये काम करेंगे। और हमारे साथ गोपाल जी बैठे हैं, ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, थोड़ा सा काम हमने कहा इसको छोड़ो, बच्चे को दो, हमारे साथ जोड़ो। अब हमारे साथ वशिष्ठ जी खड़े हैं, ये चेयरमैन है हमारी कंस्ट्रक्शन कमेटी के,
लोगों को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो वो निभाते हैं, निभाएं। हम यही कहते हैं थोड़ा करो ज्यादा करो, कुछ ना कुछ धर्म के लिए काम जरूर करो। पहले व्यापारी लोग दुष्ट निकालते थे, जो इनकी कमाई होती थी उसमें से रुपया 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए निकालते थे। कौन आज निकालता है? हम यही कहते हैं कि धर्म कर्म ने साथ जाना है कि पैसा ये मोह मुक्ता यहाँ ही रह जाएगी। आप अपने ये भी एक ड्यूटी है, पैसा कमाना, बच्चों को पालना, बच्चों का सब कुछ देखना, परिवार का देखना, घर बनाना, ये भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी आपकी क्या है? सच्चाई, धर्म, धर्म का भी काम साथ में करते रहो ताकि आपका आगे जाकर धर्मराज आपको उसे भी आपने क्या किया तो आप बता सको कि मैंने समाज के लिए धर्म के लिए ये काम किया। मान से कहता हूं ऐसा सुंदर जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। काम कभी खत्म नहीं होते, काम करने की अभिलाषा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, मन में विचार होना चाहिए। तो ये तो मेरे साथी, मेरी बहनें, मेरे जो मेंबर हैं, ये बताएंगे कि हमने काम क्या क्या करने हैं, क्या करने चाहिए। हम इनके साथ बैठेंगे मिल वर्त के, जैसे आप इनको एहसास हुआ कि कुछ हमारी महिलाएं, कुछ हमारे सीनियर सिटीजन स्टेयर नहीं चढ़ सकते मंदिर की, हमारा सेकंड फ्लोर में मंदिर है तो हमें एक लिफ्ट की आवश्यकता है, तो ढूंढी गई कि स्टेयर लिफ्ट जो है, चेयर लिफ्ट जो है वो उसका इसको फाइंड आउट किया गया, फिर इसको चेक किया गया, फिर पैसे इकट्ठे किए गए। थैंक्स फॉर हमारी महिला प्रधान जिसने हमारे ये महिला मंडल ने मिलकर हमें ये 2 लाख रुपए का अनुदान दिया है, इसको लिफ्ट लगवाई है। ये ऐसे ही विचार, जैसे हमें जब हम काम करते हैं तैसे तैसे हमारे विचार आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उस अनुसार हम काम करेंगे, हम सभा को आगे लेके जाएंगे। ये हमारी बहना बैठी, ये हमारी नेता है जो हमें मार्गदर्शन करती है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। हम देखो सहयोग, समाज सहयोग से चलता है, घर सहयोग से चलता है। बेटे की ड्यूटी है, आपने आप अनमैरिड थे, आपने शादी की, आपने बच्चे पैदा किए, नौकरी की, बच्चों को मकान दिया, बच्चों को पढ़ाई करा के दी, ये आपके दायित्व थे, आपकी ड्यूटी थी, आपने परफॉर्म की। आगे उनकी रचना कैसे करनी है, समाज को दिशा क्या देना है, बच्चों को शिक्षा कैसी देनी है, ये आप माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। हम जब हमें जिम्मेदारी दी है, हम इसके माँ बाप हैं, हम इसके केयर टेकर हैं। एक योद्धा की तरह, एक कर्मठ नेता की तरह, एक कर्मठ वर्कर की तरह यहाँ काम करना पड़ेगा। सर, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि जैसे माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों के लिए सेवा करें। आजकल बच्चे जो है ज्यादातर वीडियो गेम फिल्मों में इधर सनातन धर्म से या धर्म से अलग होते जा रहे हैं, उनके प्रचार या उनको धर्म में लाने के लिए कोई सेरेमनी वगैरह या कोई प्रदर्शनी वगैरह? सर, मैं राजा जी और सुंदर जी, मैं आपसे बेनती करता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे मंदिरों के प्रधानों का एक मत नहीं है, हमें हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, हम अपनी ड्यूटी करेंगे, हमारी टीम अपनी ड्यूटी करेगी। हम पहले जो हमारे मेंबर हैं, अगर इनकी कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमारी ये पूनम है मैडम, इसकी बेटी की शादी है, ठीक है, इसके हस्बैंड नहीं है, तो हमें उसको कोऑपरेट करना है, उसको सहयोग करना है, तो वो ये महसूस ना करे कि मेरे घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, हम खड़े हैं उसके लिए। ये समाज की देन है, ये है, ये ड्यूटी। हम अपने पहले घर को देखे, अपने मेंबरों को देखे। अभी हमारे एक मेंबर है, मैं उनका तो नहीं कहूंगा कि मुझे पता लगा उनको सहयोग की जरूरत है, अगर उनको 10-20-50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो ब्राह्मण सभा और मल्याल सभा दोनों मिलकर उसका सहयोग करेंगे। हमारे पास भगवान ने पैसे किसी दिए, हम काम कर रहे हैं। ये देखो ना, जब हर चीज जो है, जब आप काम करते हो तो आपको सामने चीज नजर आती है कि हाँ ये काम कर रहा है। ये मेरी बहना ने इतना बड़ा 50-60 लाख रुपया उस शनि मंदिर पे लगा दिया, किसे लगाया? आप लोगों के लगाया, इनके लिए लगाया, इनके लिए लगाया, लोगों के लिए लगाया। आओ हर शनिवार को ये भंडारा करते हैं, इसलिए करते हैं। जैसे अभी जसविंदर जी ने बताया अपने भाषण में कि कल चंद्रग्रहण था और चंद्रग्रहण में मंदिर बंद हो गया तो लंगर भंडारा चल रहा था, वो सबसे बड़ा पुण्य है। आपका पेपर में पढ़ो, पढ़ते से पूछो, तो पुण्य किसको गया? पुण्य तो इनको गया, हम तो इनके सेवक थे जो काम कर रहे थे, जो उन्होंने हमें ड्यूटी दी कि ईमानदारी, सिंसियरिटी, लॉयल्टी और ऑनेस्टी से काम करो। ये हमारी लॉयल्टी, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी देख रही है तो हमें
मैं ब्राह्मण समाज को कहूंगा ईगो छोड़ो, जिसके मन में भी ईगो है उसका कोई फायदा नहीं है। आपको मैं प्रधान हूं, मेरे मन में ईगो है तो मैं प्रधान के काबिल ही नहीं। जिसके मन में, जिस इंसान के मन में ईगो है, चाहे वो नेता है, अभिनेता है, चाहे वो धर्म का रक्षक है, धर्म पालन करता है, समाज को रचना करता है, कोई भी किसी का पंडित जी है, एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी आदमी है, अगर उसके मन में ईगो है तो वो आदमी कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। ईगो त्याग कर ही परमात्मा को पाया जाता है, इंसान की सच्ची सेवा की जा सकती है। इसलिए इंसानियत पहचानो, अगर इंसान से पहचानते हो आप अच्छे तभी इंसान कहलाओगे। ईगो छोड़ के उससे वापस आते हैं जी, ईगो छोड़ के उससे वापस आते हैं। हाँ, गले लगाने के लिए हम तैयार हैं, ये बाजू खुली है हमारे लिए। आओ समाज को मिलकर काम करें, हम तो ये कहेंगे सच्चे मन से है ना, दूसरे मन से मत आना, फिर वही काम होगा। ये मैं आपको बता दूंगा, ये आप हाँ आओ। अब लोग आए हैं, मैंने तो पहले जोड़ हाथ जोड़ कर ये भी छोड़ो, ऐसा काम मत करो, ठीक है। हमने हम ये किस लिए बैठे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी, किसी की नहीं है। ये संसार में देखो एक सर्कल है, कभी कोई चीज नीचे आती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती कभी ऊपर जाती है, ठीक है। हमारे दादा परदादा नहीं रहे, हमारे बाप नहीं रहे, हमने भी नहीं रहना, ठीक है। ये नाम रहना, ये सेवा रहनी है। वो हमारा खराब प्रवीण, ठीक है, गौ भगत है, ठीक है, जहां जाओ इसको जो मर्जी बनाता है, लेकर ये सच की बात करता है, सच के साथ खड़ा होता है और काम करके दिखाता है, सेवा भाव है उसमें। नमस्कार मितेश जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं मोहाली में रहने वाले सभी निवासियों को बधाई देती हूँ कि आज का जो यहाँ पे मतदान का प्रोग्राम था उसमें निर्विकार, निर्विघ्न, सर्वसम्मति से श्रीमान श्री वीके वैद जी को ब्राह्मण सभा मोहाली का अध्यक्ष चुना गया, और श्रीमान श्री जेपीएस ऋषि जी को सेक्रेटरी, और श्री मनमोहन दादा जी को कैशियर, और श्रीमती हिमा गैरोला जी को महिला मंडल की अध्यक्ष चुना गया है। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई, और इसके लिए मैं भी स्वागत करती हूँ। और देखिए, ये सब तो मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि वीके वैद जी के अंदर ऐसे गुण हैं कि वे अध्यक्ष के पद पर इतने सटीक बैठे हैं कि मैं पिछले कई सालों से, जब से इस संस्थान से जुड़ी हूँ, मैंने इसकी तरक्की 4 से 6 और 6 से 10 गुना होती देखी। और इनके अंदर ऐसा गुण है कि ये एज ए कमांडर अपने पीछे हजारों और लाखों के संख्या में लोगों को लेकर चल सकते हैं। और इसलिए मैंने आज के, जब ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, तो मैंने अपने भाषण में यही बोला, और जो मैंने 2-4 वर्ड्स यहाँ पे बोले थे वो मैंने, हालांकि गैरोला मैडम ने ये बोला कि आप किसी की तारीफ मत करिए, पर मैंने सभी से ये बोला था कि मेरे हिसाब से जो इस पद पर सबसे योग्य व्यक्ति होंगे वो श्रीमान श्री वीके वैद जी ही होंगे, और वो सच हो गया बाद में, क्योंकि किसी और ने अपना यहाँ पर नॉमिनेशन ही नहीं दिया, और इनको सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष चुना गया। और एज ए ऑब्जर्वर मैंने यही देखा है कि सभी लोग बहुत खुश हैं इस मतदान से, इस इलेक्शन से, और सभी ने इनको अपना जो अध्यक्ष बड़े दिल और जान से और बड़ी खुशी से आज माना। जो बाकी की टीम है, जो ऋषि जी हैं, ये अभी वैद्य जी ने बताया कि उम्र में इस सभा में सबसे वरिष्ठ है, और बहुत सालों का इनको एक्सपीरियंस है, ब्राह्मण सभा में बहुत सालों से हैं, इस संस्थान को बहुत समय से चला रहे हैं, तो इनके एक्सपीरियंस के बारे में तो कहना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। और इनका एक्सपीरियंस जो है वो, जो इस संस्थान को जो चला रहे हैं वो इनका एक्सपीरियंस ही चला रहा है। और बाकी जो मनमोहन दादाजी बैठे हैं, मैं इनको भी बड़े अच्छे से जानती हूँ, इनकी शख्सियत बहुत ही सौम्य, बहुत ही हंसमुख रहने वाले, और बहुत ही सबसे प्यार और वैचारिक मत बनाने वाले जो शख्सियत हैं वो मनमोहन दादाजी हैं, और हमेशा इनके मुंह पे स्माइली देखी जाती है, आज तक मैंने यही देखा है। और बाकी इनके जो काम करने की कार्यशैली और जो सब है वो सराहनीय है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ये जो संस्थान था ये कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। और हिमा गैरोला जी की उपलब्धियाँ आप पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में जो महिला मंडल है उन्होंने इस संस्थान के लिए बहुत कुछ किया है, और चेयरलिफ्ट से लेके मंदिर के सभी तरह के फंक्शंस को
करना और लोगों तक जन जन तक पहुंचाना, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं इन सभी को, सभी अध्यक्षों को, सभी जो आज यहाँ बैठे हैं अधिकारी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ब्राह्मण सभा और संस्थान के साथ तो मैं बचपन से ब्राह्मण सभा के साथ तो अभी जुड़ी हूँ, लेकिन धर्म और पूजा पाठ और ईश्वर के साथ तो मैं जब से जन्म लिया तब से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार का है, मैं पहले भी बताया मैंने आपको। और इस लिहाज से बचपन से पूजा पाठ की पद्धति और ईश्वर में विश्वास, ऐसे मेरे विचार हैं, क्योंकि मुझे मेरे बचपन से मेरे परिवार से ऐसे मूल्य मिले हैं और ऐसी शिक्षा मिली है, इसलिए ईश्वर से तो मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ। इस संस्थान से मैं कुछ पिछले कुछ सालों से जुड़ी हूँ, पर आने वाले जितने भी साल होंगे, मैं मेरा यही एफर्ट होगा, यही प्रयास होगा कि मैं इनसे जुड़ी रहूँ, क्योंकि जिस तरह के कार्य और जिस तरह की इनकी मैंने प्रतिबद्धता और कर्मठता देखी है, ये बिल्कुल साफ दिल और साफ मन से इस संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। और जितने भी ऑपोजिशन है या जो भी ऐसे नेगेटिव जो शक्तियां काम करती हैं, उनके बारे में ध्यान न देकर हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, और जिसका जैसी सोच हो वैसे कार्य कर रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसा इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण सभा से छूट गए या रूठ गए, जो भी लोग अधिकारी वो आज जहाँ बैठे मेरी बात सुन रहे होंगे, जैसा वैद्य साहब ने कहा, यहाँ का संस्थान उनको बाहें खोल के गले लगाने के लिए तैयार है, इसलिए वो अपना जैसा भी उनका रूठने का जो मर्जी रीजन रहा हो उसको छोड़ के वो वापिस आए और यहाँ इनसे जुड़े। आप सभी का धन्यवाद और अपनी टीम का, महिला मंडल का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस मूर्ख अज्ञानी को फिर से इस जिम्मेदारी के लायक समझा। मैं इधर घुमा लो जरा सा, सभी मेरी बहनों की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से, क्योंकि आपने मुझे फिर से एक वही जिम्मेवारी के बीच में रखा, जबकि मैंने बहनों से बहुत पहले से कहा था कि हमारा लक्षण आने वाला है और आप अपने आप में जो भी कोई जिम्मेवारी लेना चाहता है मेरी मैडम आगे आए और सोचे। तो मेरी बहन सुधा बैठी है, इन्होंने मुझे आते हुए कहा था कि मैडम हमने सोच लिया है इसको बनाना, और मैं बड़ी खुश थी, शायद उन्होंने अपने आप से कोई मैडम डिसाइड कर लिया, मगर नहीं, आकर फिर मुझे ये सेवा के लायक समझा। तो इसके लिए फिर से कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचा देना माँ, अब तुम्हारी बारी है, मंजिल तक पहुंचा देना माँ, अब तुम्हारी बारी है। आज तक अगर मैंने कोई भी इस सेवा में भूल चुकी है तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, और आगे आप जैसे मुझे मार्गदर्शिता दिखाओगे मैं आपके लिए हमेशा उस सेवा में तत्पर रहना चाहूंगी। मुझे यही हुआ, शायद मैंने इनके लिए सेवा करते शायद कुछ नेक काम किया होगा, क्योंकि ये आंसू इतने अनमोल और कीमती होते, ये सबके लिए नहीं बह सकते, आंसू आना ये खुशी और गम का आचार दिला है, तो शायद इनको खुशी होगी या मैं। हाँ जी, प्यार तो मैं क्या कहूँ, इनके प्यार की तो मैं कोई मिसाल ही नहीं दे सकती, ये बहुत ज्यादा मेरे से प्यार रखती, और मैं कई गुना उससे बढ़कर इन लोगों को इनके बिना मैं भी नहीं रह सकती, ये मेरी जान है। आज ये जो हार है ये मेरे नहीं, इन सभी के। मैं सारी ब्राह्मण समाज का तय दिल को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इसको कैशियर के पोस्ट के लिए काबिल समझा। बाकी मैं अपने वैद्य साहब से उसको वचन दिया हुआ है, जो भी मेरे को जिम्मेवारी देंगे दैट विल बी परफॉर्म इन ड्यू एफिशिएंसी। सर वैद्य साहब का बात करने के लिए मेरा तो एक्सपीरियंस बचपन का, 10वीं क्लास तो ना 12वीं क्लास तो मैं कम से कम
हरेक जगह पहुंचती है। बाकी रही गल जिस तरह के ये बिल्कुल पता थी कि जो वैसा काम करते हैं उन्होंने मुकाबले छेती छेती किसी ने नहीं करना, क्योंकि काम करना है तो मुकाबले उ कर सकता जो उन्होंने अगे काम करके दे दिखा सके। इसलिए जो साड़ी टीम बनी है साढ़े ऋषि जी अंकल जी अपने दादा साहब बहुत वधिया टीम बनी है। ये सारी टीम पहले साढ़े जिन्हें मैंबर है वह सारे उन्होंने चरण स्पर्श करते हैं, फिर अगे इन्हों तो सारा कुछ पूछ के जो प्रोग्राम करना अभी अगे शुरू करते हैं। जो साढ़े काम बकाया ने जिस तरह तुम्हें पूछा अगे की करना, जो साढ़े काम बकाया ने जिस तरह साढ़े को उपर 9-7-16 कमरे बन रहे हैं, 16 कमरे का पहला धर्मशाला का अभी पूरा मुकम्मल करना, जो बाकी साढ़े कोई भी ए सी वगैरह का काम रहा वह इसी हाल के मुकम्मल लाने ने। एक मेरा ख्याल शहर के विशाल रूप है जिस तरह के पहला दस चुके हैं कि चेयर लिफ्ट ट्राई सिटी पहला मंदिर है जिसे चेयर लिफ्ट लगी है। यह बड़ी जल्दी असं सलाह करके ऋषि साहब बंसल जी मैडम हेमा करोला जी असं सारे गए सैंती सैक्टर जाके अभी देखा उसे फाइनल कर लिफ्ट को ऑर्डर कर दो दिन के असं कह रहे जो भी काम सू दिखता वो सारे अभी करा। बाकी जिन्हें साढ़े मैंबर ने जो सू सुझा देने असं सारे रात इस समस्या हल करा काम अगे बढ़ावे।